हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स। दोस्तों आज का एडिंग न्यूज़ बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि सुबह मैंने एक वीडियो किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप नया फ़ोन लेने का सोच रहे हो और आप चाहते हैं कि एक जबरदस्त फ़ोन ले दो जिसका प्राइस दोस्तों 15,000 से लेकर 20,000 है, तो उस रेंज में दोस्तों मैंने बताया हूँ कि उसमें आपकी नीड के हिसाब से कौन सा बेस्ट फ़ोन है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों पबजी की। पबजी की तरफ से आज एक बैड न्यूज़ आई है। वो दोस्तों दिल्ली का एक लड़का है 15 साल का, वो दोस्तों पबजी खेलता था और यूसी वगैरह इतना खरीद लिया कि अपने दादाजी का जिनका उम्र 65 साल का है दोस्तों, उनका 2 लाख रुपया, 2 से 2.5 लाख रुपया दोस्तों वो उड़ा दिया है पबजी में। तो इस तरह ही कुछ खबर आ रही है। आप बताइए इंडिया में ये बैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों नया लैपटॉप आने वाला है दोस्तों अक्टूबर में, ऐसा बताया जा रहा है। 10th जनरेशन i5 पे आएगा दोस्तों, और इसकी जो प्राइस होने वाली है 38,000 के करीब होगी। जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे और बताएंगे कि ये किस तरह का है। वैसे दोस्तों अगली न्यूज़ बढ़ने से पहले दोस्तों आप अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों रेड कलर का जो नीचे बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि दोस्तों सब्सक्राइब हो जाए हमारा चैनल और आपके साथ हम जुड़ जाए, ताकि दोस्तों जो भी नया लेटेस्ट वीडियो डाले आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस जियो की। जियो की तरफ से एक बहुत ही कमाल की अपडेट आई है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक दोस्तों एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन आने वाला है, जो दोस्तों ओप्पो रियलमी शॉमी जितने ही फ़ोन है सबकी छुट्टी करने वाला है। इस तरह की कुछ खबर आ रही है, पता नहीं जियो ये काम कब करेगा। वैसे दोस्तों अभी जियो का टाइम है, लेकिन दोस्तों रेडमी का टाइम आ गया। 15 सितंबर को दोस्तों रेडमी का 9i लॉन्च होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है दोस्तों ये, और ये एंट्री लेवल का फ़ोन होगा दोस्तों। इसमें हीलियो का G25 का प्रोसेसर होने वाला है दोस्तों, 2GB RAM 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ आएगा। 6.5 इंच का दोस्तों डिस्प्ले होने वाला है, और 13 MP का रियर कैमरा और 5 MP का सेल्फी कैमरा ये होगा दोस्तों। 5000 mAh की बैटरी होने वाली है। अब ये किस प्राइस रेंज पे आएगा, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं पोको की। तो पोको का X3 ये ग्लोबली लॉन्च हो गया, लेकिन इंडिया में बहुत ही जल्दी आने वाला, और ऐसा बताया जा रहा है कि गिंग बेंच में 8GB RAM के साथ ये लिस्ट हो गया। मतलब दोस्तों 6GB के साथ 8GB RAM वाला भी वेरियंट आएगा। आप देखिए जब आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों अब एक ऐसे टीवी की जो दोस्तों ट्रांसपेरेंट है। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन में देखते होंगे, ये दोस्तों शॉमी का 27 इंच वाला टीवी है, जिसमें दोस्तों ये 27 इंच का जो ओलेट पैनल है ये सैमसंग का दिया गया, और बहुत ही जल्दी ये इंडिया में लॉन्च होने की उम्मीद है दोस्तों। आप देखिए ये किस तरह का होगा। वैसे दोस्तों कल बता दें सैमसंग के बारे में बात हो रही है, तो दोस्तों कल सैमसंग गैलेक्सी M51 लॉन्च होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है दोस्तों। इस फ़ोन के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्पेसिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूं। स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर होने वाला है, क्वाड कैमरा होने वाला है जो 64 MP का दोस्तों सेंसर होगा, वो प्राइमरी सेंसर होगा। टेलीफोटो जूम भी इसमें होने वाला है दोस्तों, 32 MP का सेल्फी कैमरा, 7000 mAh की बैटरी। जब ये फोन आएगा दोस्तों तो किस प्राइस रेंज में होगा, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों नोकिया की। तो नोकिया के 3.4 के बारे में मैंने कल बता दिया दोस्तों कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन आज लीक हो गई। स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर के साथ ये आने वाला है दोस्तों। ट्रिपल रियर कैमरा होगा जो दोस्तों 13, 5 और 2 का होगा, और दोस्तों सेल्फी कैमरा जो होगा 16 MP का होगा। 4000 mAh की बैटरी होगी। जब ये फ़ोन आएगा दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों बेल्जियम में नोकिया का 8.3 वाला जो फ़ोन है दोस्तों, इसकी प्री बुकिंग शुरू हो गई, और इस तरह का कुछ बताया जा रहा है। ये $560 से लेके स्टार्टिंग वेरिएंट है इसका, मतलब दोस्तों वही हो सकता है 60,000 रुपये, तो इस तरह का कुछ है। जब ये आएगा तो आपको सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों अब एक बहुत बड़ी चीज़ की जो आज हुआ है दोस्तों, एंड्रॉयड 11 ये लॉन्च हो गया है दोस्तों, जो गूगल ने इसे रोल आउट कर दिया, और बहुत सारे फ़ोन में ये आने वाले हैं और कुछ फ़ोन में आ भी चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें नई नई फीचर्स है। इसमें दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा कल मॉर्निंग में, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि गूगल का नया कॉन्टैक्ट वाला फीचर आने वाला है। मतलब दोस्तों अगर आप शॉप वगैरह रखते हैं और अपने कॉन्टैक्ट में दोस्तों सेव कर लेते हैं, तो आपको एक पार्शियली दोस्तों आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगा। मतलब दोस्तों आप किसी भी फ़ोन करेंगे और वो नेट से कनेक्टेड रहेगा तो आपका सीधा शॉप का नाम दिखा देगा, तो इस तरह का होने वाला है। और दोस्तों इसमें ट्रू कॉलर वगैरह भी फीचर्स आने वाला है, मतलब आप ट्रू कॉलर की ज़रूरत नहीं, वैसे भी दोस्तों वो डेटा भेज देता था इधर उधर, तो ट्रू कॉलर अगर आप यूज़ करते हो तो उसको हटा दीजिए। गूगल का ये आने वाला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं गूगल कॉन्टैक्ट की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 500 मिलियन से ज़्यादा ये डाउनलोड हो चुका है प्ले स्टोर में दोस्तों, तो आप गूगल कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं तो ये काम करिए जाके। वहीं दोस्तों बात करते 25 सितंबर को गूगल का दोस्तों गूगल पिक्सल 5 ये लो दोस्तों लॉन्च होने वाला है। किस तरह का होगा और इसकी प्राइस वगैरह क्या होगी वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बता देते हैं दोस्तों कि इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत आ गई है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये स्नैपड्रैगन 765 और 768 प्रोसेसर के साथ होगा, जो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ 768। अब देखिए दोस्तों ये कब तक आएगा और किस
इस तरह का दोस्तों होगा। बात हो रही है एंड्रॉइड 11 की, तो रियलमी कैसे पीछे रहेगा। रियलमी का दोस्तों X50 Pro में ये रोल आउट हो चुका है, अगर आपके पास है तो करिए अपडेट, आपको मिल जाएगा दोस्तों। बात करते हैं आप दोस्तों, आज एक इंडियन ब्रांड ने दोस्तों चाइना में जाके फ़ोन लॉन्च कर दिया, ये समझ में नहीं आया मुझे। जिवनी का M12 Pro ये दोस्तों लॉन्च हो गया बहुत एग्रेसिव प्राइस पर दोस्तों लॉन्च हुआ। इसमें हीलियो का P60 का दोस्तों प्रोसेसर है, 4000 mAh की बैटरी, 7000 प्राइस पे दोस्तों ये लॉन्च हो गया है। और इसमें दोस्तों बता दें कि एंट्री लेवल का फ़ोन है, क्वाड कैमरा पे आता है दोस्तों ये, जिसमें सेंसर जो है 16 MP का और दोस्तों सेल्फी जो है 13 MP का है, 4000 mAh की बैटरी, 6.2 का IPS LCD डिस्प्ले वगैरह है, तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है। लेकिन ये इंडिया में होना चाहिए था, वहाँ क्यों हुआ ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। बात करते हैं दोस्तों वीवो की, तो वीवो का V20 दोस्तों बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा दोस्तों। गिम्बल कैमरा का तरह दिख रहा है दोस्तों, जैसे वीवो का X50 उसी तरह का दोस्तों कुछ डिज़ाइन मिल रहा है, आप देखिए किस प्राइस रेंज में आएगा और किस तरह का होगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं एप्पल की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है, 15 सितंबर को उनका लॉन्च इवेंट होने वाला है, जिसमें दोस्तों एप्पल वॉच और आईपैड एयर ये दोनों लॉन्च होने वाला है दोस्तों। और ऐसा बताया जा रहा है कि जॉन प्रोसेसर ने इसमें ट्वीट किया और बताया है कि इस तरह का कुछ होने वाला है। जब ये होगा दोस्तों तो उसमें क्या क्या होगा और इसकी प्राइस क्या होगी सारा कुछ आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों एंड्रॉइड 11 लॉन्च हो गया है, तो दोस्तों ओप्पो ने भी लिस्ट जारी कर दिया और उसमें ऐसा बताया जा रहा है ओप्पो रेनो 3 और दोस्तों फाइंड X2 ये दोनों को रोल आउट शुरू हो चुका है। अगर आपके पास है तो इसे चेक करिए, आपको बहुत सारी इसमें फैसिलिटी नई नई मिलेगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं कलर ओएस 11, 14 सितंबर को ये दोस्तों लॉन्च इवेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ होने वाली है ओप्पो का, आप देखिए ये किस तरह का होगा, जब ये आएगा तो इसको सारी डिटेल देंगे। बात करते हैं दोस्तों हुआवी का, बहुत ही जल्दी एक उनका वॉच और एक एयरपॉड दोस्तों लॉन्च होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो एयरबड है वो सिल्वर कलर का होगा और बहुत ही ज़बरदस्त उसका डिज़ाइन वगैरह दिख रहा है, और GT2 करके इसका दोस्तों इसका वॉच दिख रहा है जो काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन पे आ रहा है, जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं मोटो G9 Plus का, तो ये बहुत ही जल्दी दोस्तों आने वाला और इसकी कुछ रेंडर सूमर्स बाहर आ गई, ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 730GL है दोस्तों, इसमें प्रोसेसर होने वाला है, 64 MP का क्वाड कैमरा होगा, 5000 mAh की बैटरी होगा, और दोस्तों और ये किस तरह का होगा और कितने दाम पे आएगा जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही उम्मीद है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का वीडियो हम देते रहते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।